बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और भाई लोग कैसे हो, स्वागत है तुम्हारे एक और वीडियो के अंदर। तो भाई पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने बताया था कि लेस्टर ने भाई हमको इन्फॉर्मेशन दे दी है और प्लानिंग अपनी चालू है अभी कि हमको किस तरीके से भाई कैसीनो रॉयल के अंदर या कैसीनो डायमंड कैसीनो जो भी है भाई उसके अंदर किस तरीके से अपन को हाइस्ट करनी है। तो उसके प्लान को भाई अपन को पूरा करने के लिए अपन लोगों को ना पहले रेस करनी पड़ेगी, ताकि रेस से ना अपनी थोड़ी आरपी इंक्रीज हो जाए, और आरपी इंक्रीज हो जाएगी ना उसमें थोड़ा अपन को गाड़ी वाड़ी चलाने में, वैसे गाड़ी चलाते मेरे को आती है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जैसे जैसे आरपी इंक्रीज होगी ना उसके हिसाब से अपन को अच्छे आरपी वाले बंदे भी मिलेंगे, ताकि जिनके साथ अपन ऑनलाइन अपन लोग मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट अपना ये रहेगा कि अभी फ़िलहाल अपन ने रेस जो की है वो रेस इसलिए की है क्योंकि अपन की जैसे ही आरपी इंक्रीज होगी ना तो थोड़ा अच्छे जो प्लेयर खेलने वाले भाई अपने GTA को, तो उस तरीके के अच्छे बंदे मिलेंगे ताकि अपन को ना मिशन कंप्लीट करने में ज़्यादा आसानी हो। वैसे ऑलरेडी क्या है कि ये वाली ना जो अपनी रेस है ये मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी, तो मैं ही होस्ट कर रहा था इसको, तो अभी इतने रैंडम बंदे आ रहे थे भाई, तो अभी मेरे साथ तो कोई था नहीं भाई खेलने वाला, तो जितने भी रैंडम बंदे आए तो उसमें से भाई दो बंदे ने ज्वाइन किया, एक बंदे ने लेफ्ट कर दिया। ऐसा होता क्या कि जो भी GTA के अंदर ऑनलाइन बंदे रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भाई, तुम ना किसी को भी इन्विटेशन भेज के उसके साथ खेल सकते हो, और फिर तुम्हारा कोई जान पहचान का दोस्त हो या भाई भाई जो भी हो तो उनके साथ भी खेल सकते हो, तो ऐसे कोई दिक्कत की नहीं है। लेकिन पॉइंट इसकी ये रेसेस बस यही करती हैं कि तुम्हारे ना आरपी इंक्रीज करती है। तो जो लेस्टर के साथ मेरे को कैसीनो रॉयल का मिशन करना था भाई उसके अंदर ना इसका भी पार्ट है, क्योंकि जैसे मेरी आरपी इंक्रीज होगी तो उसके हिसाब से मैं ट्राई करूँगा कि देखो अभी जैसे देखो ये बंदा है अपना थर्ड वाला सेकंड नंबर वाला बंदा है जिसका नाम है नाजिद नाजी भाई, इसके लेवल देखो 3 लेवल का, मेरा लेवल है 11 का। ठीक है, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहता है ना उसके हिसाब से वैसे वैसे बंदे आते रहते हैं तुम्हारे सामने, और तुम उनके साथ भाई इजीली मिशन कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं ना अभी जल्दी से मैंने रेस स्टार्ट करी और मैंने भाई देखा कि गाड़ी कौन सी बढ़िया है, और गाड़ी तो मैं एक ही थी लेकिन बस कलर चेंज कर सकते थे तुम, और ये RC रेस है तो RC गाड़ियाँ भाई छोटी छोटी होती हैं तो उन पर रेस करनी थी, लेकिन भाई इसमें एक बंदा था नंबर वन ले लो भाई जो भी था भाई, उसने भाई जो 15 नंबर का जो ना RP का अकाउंट देखा ना अभी, वो वाला बंदा उसने भाई मेरे को 4-5 बजे टक्कर मार के और सेकंड रेस मेरे को कुछ ना कुछ करके सेकंड करवा दिया मेरे को, नहीं तो भाई मैं फर्स्ट ही आता। जब भी उसको मौका मिल रहा था ना वो मेरे को बार बार ही टक्कर मार के मेरे को रेस हरा दी उसने, पर तब भी यार अपन ने ना यही रेस ऑर्गेनाइज करी थी। तो इसमें क्या था, मेरा मेन मोटिव था पैसे भी कमाना लेकिन RP भी इंक्रीज करना। तो अभी हुआ क्या कि RP तो इंक्रीज हो गई लेकिन भाई अमाउंट ना अपन कुछ कमा नहीं पाए इससे, क्योंकि अगर इससे अमाउंट कमाते ना तो उससे लिए अपन को अमाउंट भी ऐड करना पड़ता, तो अभी हमारे पे अमाउंट था नहीं भाई, तो भाई जैसे ही अमाउंट था नहीं तो अपन ने अमाउंट ऐड नहीं करा। बाकी तुमने देखा भाई गाड़ी इसने किस तरीके से टक्कर मारी भाई, और बाकी तुम भाई रेस इंजॉय करो, और एक दो मीम भी डाली है, मीम भी बताना भाई कैसी लगी, बस कमेंट करके भाई इतना बता देना कि वीडियोस कैसी हैं और कैसी आगे वीडियो लेके आनी है। वैसे मैं पूरी की पूरी GTA ऑनलाइन के ना मैं पूरी सीरीज लेके आऊँगा। बाकी तुम देखो भाई मैं बार बार ना फर्स्ट आ रहा था लेकिन मुझे बार बार बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। टक्कर मार के बंदा सेकंड पे कर दे रहा था, और यही बंदा भाई इसी चक्कर में ना मेरे से इधर से लास्ट टक्कर थी और इसी के चक्कर में बंदा जीत गया। तो भाई ये टोटल ना 3 लैप थी, तो अभी से मैं सेकंड आ गया ना भाई, उसके बाद मैं फर्स्ट आ ही नहीं पाया क्योंकि मैंने पूरा ट्राई किया अपने साइड से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भाई पूरा इंजॉय करो उसके बाद अपन लोग मिलते हैं। तो लास्ट में मैं तुमको ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा, ताकि जो अगली रेसेस या फिर अगले मिशन रहेंगे ना लेस्टर के थ्रू और डायमंड कैसीनो के चोरी करने के थ्रू भाई, वो सब मैं बताऊंगा। और बाकी ना ये RC है तो ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई गाड़ी, तो कंट्रोलिंग अच्छी होगी भाई, कंट्रोलिंग बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं तुम लोग बस भाई लास्ट में मिलता हूँ वीडियो का, बाकी तुम लोग 3 के 3 लैप इन्जॉय करो और बताना भाई गाड़ी कैसे चलाई मैंने, ट्राई अपने साइड से भाई पूरा कर रहा था लेकिन क्या करे भाई, फर्स्ट अपन आ नहीं पाए यहाँ पे।
town from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. तो भाई देखो पूरी की पूरी रेस में ना अपन लोग सेकंड ही रह गए, क्योंकि जो फर्स्ट वाला बंदा था जिसने भाई स्टार्टिंग से ना अपन को टक्कर मारा जा रहा था, उसके चक्कर में यार अपन लोग ना सेकंड आए हैं। पर कोई इशू नहीं है भाई, देखो आरपी जी ना तब भी इंक्रीज हुई है। और ये भाई थर्ड बंदा, ये तो पता नहीं कहाँ था, बहुत ही पीछे था अपन से। रेस एंड होने वाली 18 सेकंड में, लेकिन अभी तक ये पहुँचे नहीं था। तो भाई मैंने जल्दी से इसका स्पेक्टेट मोड ऑफ किया, जो उसको हम बंदे को देखते हैं। तो उसके बाद भाई क्या हुआ कि ना लेस्टर का मेरे पे कॉल आया था, और जैसे ही जब कॉल आया ना भाई, तो उसने बोला था कि तुम लोग ने एक बारी डॉग टीज करके एक साइट है उधर जाके भाई तो एक ना यार्ट या फिर बोट वगैरह खरीद लो, तो वो भी मिशन में आने वाली है और उसका भी यूज़ होने वाला भाई मिशन में। जैसे जैसे होगा मैं तुमको दिखाऊंगा, ज़रूरी नहीं कसिनो के अंदर यूज़ होगा, लेकिन उसने बोला था भाई तुम्हारे पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी एक और देखो ये मैसेज आया था ऊपर, ओनिंग अ क्लब हाउस अलाउ यू टू बिकम अ प्रेसिडेंट एट एनी टाइम फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। द मोटरसाइकिल क्लब सेक्शन मेन्यू एज प्रेसिडेंट एक्सेस टू क्लब हाउस कॉन्ट्रैक्ट एंड ओपन द रोड वेबसाइट, ठीक है भाई। तो ये भी एक ऑप्शन आया अपन के पास, और तो इसके थ्रू भी अपन लोग क्या कर सकते हैं भाई कि ना एक वेबसाइट के थ्रू अपन लोग भाई अपने ना अर्निंग कर सकते हैं। तो भाई ये भी एक पॉइंट है, और इसके अंदर भाई जो भी अर्निंग होती है ना वो सब की सब रियल होती है, ठीक है भाई। तो तुम लोग बताना कि कैसी लगे तुम लोगों को वीडियो। बाकी मैंने बोला था भाई यार्ट में खरीदूंगा या याच जैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो भाई मैं सोचा था कि क्योंकि मिशन में यार कंप्लीट होने आने वाला है वो, तो भाई बताना तुम लोगों को, इसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि भाई हर चीज़ के लिए ना अमाउंट क्यों होता है, अपन पे भी पैसे कम है। तो धीरे धीरे अपन ना मिशन करते करते इस अमाउंट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही भाई कसिनो के लिए जाना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी और एक क्लब हाउस और ओन करना पड़ेगा, उसके बाद एक आर्किड प्रॉपर्टी भी ओन करनी है, तो बहुत सारा अमाउंट करना पड़ेगा भाई। तो मिलते हैं एक और भाई एक और वीडियो के अंदर। जो जो बंदे ने भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना ब्रो।